हाँ देखिए, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, मतलब हिंदी में भूरा वलय परीक्षण किसका? नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट आयन यह भी नाइट्रिक एसिड से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी H प्लस और NO3 माइनस में परिवर्तित होता है, तो NO3 माइनस तो इसमें भी है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि HNO3 से भी नाइट्रेट का टेस्ट आ जाएगा, परीक्षण आ जाएगा। दूसरा, हम ऐसा कोई साल्ट भी ले सकते हैं जिसमें NO3 माइनस उपस्थित होता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट से भी आप ये वाला टेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको यह सिद्ध करना है जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें NO3 रेडिकल उपस्थित है। क्या उपस्थित है? NO3। सिद्ध कैसे करेंगे? आप यहां कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लेकर चलेंगे जो क्या होगा, नाइट्रेट आयन रख रहा होगा। ध्यान से सुनना इस बात को, कौन सा कंपाउंड जो नाइट्रेट आयन रख रहा है, हमको पता नहीं है, फिर भी मान लो यदि नाइट्रेट आयन है तो किसमें हो सकता है? या तो HNO3 में, टॉपिक हमारा कौन सा? HNO3 का। यदि HNO3 नहीं है तो कोई और दूसरा भी ले सकते हैं, NaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कोई भी ऐसा साल्ट ले सकते हैं जो NO3 प्रदान कर सकता है। तो मान लेते यहां पर NO3 आया, तो मैं यहां रख देता हूं NO3 माइनस। जिस समय यह परीक्षण किया जाता है, यानी यह परीक्षण होता है, यह परीक्षण NO3 से क्या बनाता है? NO बना देता है। अब NO3 देखो, यहां कोई जरूरी नहीं कि नाइट्रिक एसिड का, पहले ही बताया, कोई भी NO3 हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो NO3 माइनस से यहां क्या बनता है? NO बनता है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को हम पहले संतुलित कर लेते हैं। ये NO3 माइनस आया कहां से? तो आपने कहा सर HNO3 से भी आ सकता है, और कहां से हो सकता है? NaNO3 से भी हो सकता है, तो किसी से भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने इसके पहले वाला धन आयन नहीं लिखा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ भी NO3 होगा, जो NO3 दे सकता है उसी का है, बस इतना ध्यान रखना। उसका कोई परिवर्तन नहीं होते, DNA है तो NA बाद तक बना रहेगा, H है तो मान लो H बाद तक बना रहेगा। H में हाँ थोड़ा सा ये है कि ऑक्सीडेशन वगैरह हो सकता है, लेकिन ये NO3 में परिवर्तन होता है, तो NO3 से आपने क्या बनाया? NO बनाया। इसको बैलेंस करना है। पिछले साल आपने क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर था, वहां एक मेथड थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिससे हम किसी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते थे। तो यहां मान लो मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करने जा रहा हूं। कैसे? उसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है कि हमको एटम बैलेंस करना है। तो एटम कौन सा बैलेंस करना है जो ना तो ऑक्सीजन हो ना ही हाइड्रोजन हो? कौन सा बचा? तो नाइट्रोजन कितना है लेफ्ट साइड, राइट साइड कितना है? इक्वल है, एटम ऑलरेडी बैलेंस है। देखो इसको हम इस तरह ए ओ एच सी एम असिस्टेंट ऑफ हरियाणा सी एम, ठीक है, असिस्टेंट ऑफ हरियाणा सीएम, खट्टर है कौन है? चलो कोई बात नहीं, सीएम खट्टर है। तो अब देखो जो भी होंगे, हमें क्या लेने देना भी, असिस्टेंट ऑफ हरियाणा सीएम, इसमें देखो सबसे पहले कहता है कि एटम बैलेंस करो। क्या बैलेंस करना है? एटम। तो एटम यहां NO3 कौन सा बैलेंस करना? नाइट्रोजन इस साइड वन है, नाइट्रोजन वन, क्लियर। अगला स्टेप किसका आता है? ऑक्सीजन का। और ज्यादा डिटेल से देखना चाहते तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये आयनिक इक्वेशन मैंने पूरा असिस्टेंट ऑफ हरियाणा सीएम समझा रखा, इसी वर्ष ताजा, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो, यहां तो नहीं पूरा डिटेल से बता पाऊंगा, ठीक है। हाँ देखो, 12 वाला तो पढ़ा नहीं होता, 11 वाला को पढ़ी, आप ये कह रहे होगे ना, लेकिन जिसकी इच्छा हो। देखो NO3 है ना माइनस, अब अगला स्टेप किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने लेफ्ट साइड? थ्री है,
राइट साइड कितने होने चाहिए? 3। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिसका नाम होता है H2O। क्या नाम है? H2O। एक H2O में कितने ऑक्सीजन है? तो हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? एक ऑक्सीजन है, 2 और चाहिए। 2 का हमने यहाँ गुणा कर दिया। नोट करो इसे, देखो NO3 है, यहाँ NO हो गया, H कहां से आ गया? देखो सबसे पहले हमें इसके ऑर्डर के अनुसार चलना, ये हमको बताएगा। ये कहता सबसे पहले किससे बैलेंस करो? ऑक्सीजन को, सॉरी एटम को। तो एटम कितना है? नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। दूसरा स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम किसी को एक आधार बनाएंगे। जैसे हमको रोटी बनाना है घर में, तो रोटी बनाने के लिए हम क्या लाएंगे? आटा लाएंगे, ठीक। उसी तरह हमें यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो ऐसी कोई वस्तु लेकर के आए जिसके पास ऑक्सीजन उपस्थित है। तो हमने इस चीज के लिए वाटर को उपयुक्त समझा कि इसके पास ऑक्सीजन है, हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, इसको ले आते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने वाटर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या देगा? ऑक्सीजन के एटम देगा। एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, हमको यहाँ कितने वाट ऑक्सीजन की आवश्यकता है? 2 की। तो मैंने 2H2 लिख दिया। दोनों साइड आप देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस्ड है ना। अगला स्टेप पूछो हरियाणा से, एच है ना। अगला स्टेप कहता है हाइड्रोजन बैलेंस्ड करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करने के लिए भी तो हम किसी को हथियार बनाएंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने किसे हथियार बनाया? वाटर को। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए देखते हैं किसे हथियार बनाते हैं। इस साइड 4 हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन को हथियार बना दिया जाता है। मतलब हम H+ आयन रख दे तो हाइड्रोजन पूरे हो गए। यहां तक क्लियर सबको? अगला स्टेप क्या है? कहता है चार्ज, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस किया जाता है? साइड में मैं रख के बता देता हूं। लेफ्ट साइड चार्ज कितना है? 1 यूनिट माइनस है, 1 माइनस है, 3 का गुणा ना कर देना। गुणा उसका किया जाता है जब यहां पर कोई नंबर होती तब गुणा करते। तो 1 हो गए आपका माइनस, ठीक है, और 4 हो गए प्लस। देखो 4 का मैं यहां गुणा कर रहा हूं ना, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा है मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड, ये आयन की लेफ्ट साइड। तो 4 प्लस हो गए राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट साइड। कोई चार्ज दिख रहा है क्या? 0। अब इसमें सिस्टम ये होता है कि एक साइड 0 बना लीजिए और एक साइड पॉजिटिव बना लीजिए। ऑलरेडी एक साइड 0 बना है, तो 4 प्लस से 1 माइनस तो न्यूट्रल हो गया। कितना बचा? जिस साइड जिधर जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज अतिरिक्त है उसको नष्ट कर दे, तो समझ लो कि यहां भी 0 हो जाएगा। नष्ट करने के लिए हम कोई ऐसा फिर से हथियार लाएंगे, इलेक्ट्रॉन लाएंगे। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1 माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 प्लस को नष्ट कर देगा ना। कितने प्लस को नष्ट करना है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाई तरफ यदि रख दे तो 3 इलेक्ट्रॉन का 3 माइनस और 3 प्लस न्यूट्रल हो जाए। बाई तरफ भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? हमको लिखना है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। जब हम चार्ज बैलेंस कर देंगे तो अगला स्टेप हमारा कौन सा आता है? मीडियम का। लिखा ना CM, मीडियम। मीडियम का मतलब यह होता है कि कौन सा माध्यम अम्लीय माध्यम की क्षारीय माध्यम। वैसे भी ये प्रक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है, चल रही है। तो जब अम्लीय माध्यम में है तो हम अम्लीय ही तो रखे हैं, कोई मीडियम बदलने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप नाइट्रेट की रिएक्शन कराते किससे, ध्यान देना। हम फेरस सल्फेट लाते हैं। क्या लाते हैं? नाइट्रेट का परीक्षण करने के लिए फेरस सल्फेट लाना है। तो फेरस सल्फेट में Fe+2 होता है, SO4 में ना तो ऑक्सीडेशन होता
ना रिडक्शन होता, SO4 जैसे पहले था वैसे बाद में भी रहता। अभी हमने नाइट्रिक एसिड में देखा भी है, पहले FeSO4 था, बाद में Fe2SO4 होल थ्राइस हो गया। SO4 तो SO4 ही है, केवल नंबर बढ़े हैं, ठीक है। इसलिए हम चाहे तो SO4 को छोड़ देते हैं, सिर्फ यहां पर ले लेते हैं Fe+2, क्योंकि मैं कौन सी मेथड से बता रहा हूं, आयनिक इक्वेशन मेथड से बता रहा हूं। Fe+2 हो गया। अब Fe+2 किस में बदलता बेटा? Fe+3 में। बस इसको भी यही असिस्टेंट ऑफ हरियाणा CM के अनुसार इसको भी बैलेंस करना है। एटम कितने हैं? एक एक इक्वल है। ऑक्सीजन है क्या? तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं है, बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला स्टेप चार्ज, चार्ज बैलेंस कर लेंगे। तो देखो यहां चार्ज कैसे, लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, राइट साइड +3, तो मान सकते इधर का +2 इधर का +2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 0 और यहां क्या पर क्या बचा, हम एक साइड 0 एक साइड पॉजिटिव कर लिए, तो जिधर जितना यूनिट पॉजिटिव है यदि उसको भी 0 में बदल दिया जाए तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। पॉजिटिव को 0 में बदलने के लिए क्या करें, उसे उदासीन करना पड़ेगा। कौन सा आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का माइनस और इसका प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दाईं तरफ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रख देना। मैंने ऐसे नहीं रखा, मैंने क्या किया, किसी ना किसी मेथड से रखा ना, स्टेप वाइज AOHCM ये स्टेप अप्लाई किया। मीडियम की यहां कोई आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि यहां पर मीडियम कौन सा चल रहा है, एसिडिक मीडियम ही है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो कोई चीज यहां भी तो इक्वल होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन जो दोनों तरफ है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी नहीं, एक है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐड कर लीजिए 3Fe+2 NO3- + 4H+ ion = NO+, फिर यहां आ जाएगा 3Fe+3 और +2H2O। ये जो Fe+2 ये कहां से आया है, फ्रॉम FeSO4 फेरस सल्फेट से आया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। टेस्ट कौन सा चल रहा है, ब्राउन रिंग टेस्ट। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट होता किस तरह है। अब इसमें से हुआ क्या, हम यहां पर ले आते हैं कुछ Fe+2 अभी बचा होगा, कुछ Fe+2 इस तरह रिएक्ट कर गया ना, कुछ अभी Fe+2 बचा होगा, इसके पास आते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, यही मेन चीज है, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये Fe+2 आपका किसमें बदल गया, 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ व्यवस्थित कर लेगा, और वाटर में तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो जो भी चार्ज आया किसका, आयरन का, कितना है +2, ये मैंने इसको बाहर रख दिया, ठीक है। यानी ये जो चार्ज है किसका है, आयरन का है। अगले स्टेप में देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है Fe H2O होल 6 और ये मैंने रखा +2, इसमें आता है आपका NO, कौन सा NO, जो भी बना है, यही NO इसके अंदर जाता है, प्रवेश करता है और इसके एक वाटर को भगा देता है और यहां बनता है H2O5NO। इसमें जो चार्ज है बेटा, चार्ज बदल गया, सबसे मेन बात यहीं पर है, चार्ज ट्रांसफर हो गया। कैसे, इसमें +2 टोटल चार्ज था आयरन में, एनओ में कोई चार्ज नहीं था, तो एक चार्ज हो गया किसमें, एनओ में, और एक चार्ज बन गया किसमें, अभी तक आयरन में कितना चार्ज था, +2 था, ये +2 चार्ज आयरन का ही है ना, ध्यान समझना इसको। अब देखो आयरन में +1 चार्ज हो गया, एनओ में +1 चार्ज हो गया, इसी कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है,
अब प्रश्न यह है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों, रिंग क्यों कहा जाता है, उसका मतलब समझो। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, हमने फेरस सल्फेट डाला और क्या डाला, जैसे आपका HNO3 है ये डाल दिया, कुछ एसिड हाई है इसमें, और जैसे हम इन दोनों को ऐड कराते हैं तो जब दो परत, दो सोल्यूशन एक परत में यहां टच करते हैं जिस जगह पर, वहीं पर एक रिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, वहीं पर जिस जगह पर दोनों रिएक्ट होते हैं भूरे रंग की एक बले बन जाती, घेरा बन जाता है किसमें, टेस्ट ट्यूब में। आप देख सकते अच्छे से, आसानी से दिखाई देगा, रिंग दिखाई देती, छल्ला जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है वलय। तो यहां एक रिंग बन जाती है टेस्ट ट्यूब में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो ब्राउन रिंग बनता है किस कंपाउंड का है। तो ध्यान रखना इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर दो नहीं है, एक है, प्लस वन है, यही कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट इसको समझते हैं कि वाटर भरे निकल गए हैं, नो आगे बस इतना हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंने यहां पर इसको इस तरह लिखा हुआ है, ये ले, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Fe H2O कितने, 5, हाँ एक H2O बेटा अलग हो गया, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं -H2O, 6 में से एक अलग हो गया ना, माइनस अलग कर दिया। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं 5H2O, यहां हो गए NO, और ये चार्ज मैं टोटल +2 बाहर लिख देता हूं। यदि मैंने ऐसा भी लिख दिया तो भी आपको समझना है, एक में आयरन में क्या है +1, NO में क्या है +1, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम होता है, 5 वाटर है ना, पेंटा एक्वा, 5 वाटर हो गए, NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रो सोनियम, नाइट्रोसो होता है, नाइट्रोसो से बना नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। अब ये किसमें, आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट, इसका कलर है, ऑब्जेक्टिव में सेकंड लिख के आ जाता है तो सेकंड नहीं, हाँ कुछ राइटर्स लिख भी देते हैं कि यहां पेंटा एक्वा नाइट्रोसो, नाइट्रोसियन नियम की जगह नाइट्रोसो सेकंड लिख देते हैं, तो नाइट्रोसो नहीं, नाइट्रोसो जो होता है NO होता है, नाइट्रोसोनियम जो होता है NO प्लस होता है। तो ब्राउन कलर जो आता है किसका आता है, ये करेक्ट है, इसका आता है, ठीक है। अब इसमें से जो आपने इसका नाम ये लिख दिया ब्राउन रिंग टेस्ट पेंटा एक्वा, हाँ बस ठीक है, इतना ही।